ओम नारायण 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 नारायण। मिसमैच्ड, ये नेटफ्लिक्स इंडिया की, इसे हम नई वेब सीरीज़ तो नहीं कह सकते नेटफ्लिक्स इंडिया की, क्योंकि इसे रिलीज़ होकर लगभग एक महीना पूरा हो गया है। पिछले महीने 20 नवंबर को इस वेब सीरीज़ को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया था। अब इसे देखने से पहले लगभग इतना अंदाज़ा तो मुझे था ही कि इस सीरीज़ में क्या दिखाया गया होगा। देखिए, हमारा जो पिछला रिव्यू था भाग बिन्नी भाग का, उसमें मैंने आपको दो कैटेगरीज बताई थी कि भाई नेटफ्लिक्स इंडिया का जितना भी कंटेंट है, लगभग वो सारा का सारा कंटेंट इन दो कैटेगरीज़ में ही रिलीज़ होता है। तो ये वेब सीरीज़ मिसमैच्ड पहली कैटेगरी में आएगी, ऐसा मेरा अंदाज़ा था। पर जब मैंने इस सीरीज को देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि चलो, हो सकता है कि इसमें शायद कुछ अलग दिखाया गया होगा। क्योंकि देखिए, इसके जो दो लीड कैरेक्टर्स हैं, डिंपल और ऋषि, उसमें से जो डिंपल का कैरेक्टर है वो अपने करियर के बारे में चिंता करता है, इसके अलावा वो अभी शादी नहीं करना चाहती, मेकअप वगैरह में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पर उसकी जो माँ है वो अपनी बेटी के मेकअप पर बहुत ध्यान देती है कि भाई बहुत सुंदर दिखनी चाहिए मेरी बेटी, बार बार उसका मेकअप वगैरह करती रहती है। इसके अलावा उसकी माँ को या पेरेंट्स को ज़्यादा कुछ करियर के बारे में पड़ी नहीं है, वो जल्दी से जल्दी उसका विवाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। हालांकि ज़्यादातर होता उल्टा है कि जो आजकल के बच्चे हैं उन्हें करियर के बारे में ज़्यादा कोई चिंता होती नहीं है, या फिर मेकअप वगैरह या बाहर से हम कैसे दिख रहे हैं, बाहरी लुक पर उनका ज़्यादा फोकस होता है। जबकि पेरेंट्स उनको बताते हैं कि भाई सादगी से जीवन जीना चाहिए, या फिर अपने करियर पर तुम ध्यान दो, ये रिलेशनशिप वगैरह इसमें ज़्यादा जल्दी तुम मत पड़ो, ऐसा ज़्यादातर रियल लाइफ में होता है। पर भाई अब फिल्में हैं, इनको जो एक सो कॉल्ड वेस्टर्न लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है, तो इसके लिए बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर्स इन वेब सीरीज़ में लिखे जाते हैं, ताकि थोड़ा सा थोड़ी सी हमारी भी हमारे मन में भी उनके प्रति सिंपथी बन सके। तो ऐसा ही डिंपल का कैरेक्टर है, जो अभी शादी वगैरह नहीं करना चाहता चाहता करियर के बारे में वो चिंता कर रही है बहुत, और बाहरी रहन सहन पर, कपड़ों पर उसका कुछ ध्यान नहीं है। हालांकि एक सीन में बाहरी कपड़ों पर बहुत ध्यान दिया गया है, जहां पर वो उसकी डेट, पहली डेट कहा गया है कि भाई पहली बार डेट पर जा रही हो, तो उसकी जो फ्रेंड्स वगैरह है उसको ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, ये पहनो वो पहनो, और बड़ा सज धज कर वो डेट, मतलब डेट पर जाना किसी बहुत बड़े अचीवमेंट की तरह दिखाया गया है कि भाई इससे बड़ा तुम्हारी लाइफ में कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से वो डेट के सीन को उन्होंने हमारे सामने रखा है। वाह, जो देखकर मुझे सच में दया आ रही थी इस सीरीज़ के राइटर्स पर, या जिन्होंने ये कहानी लिखी है या बनाई है उन पर, सच में दया आ रही थी उन पर। तो ये कैरेक्टर है डिंपल का। उसके बाद में जो दूसरा लीड कैरेक्टर है ऋषि का, वो बिल्कुल इसके अपोजिट उन्होंने दिखाया है। वो अपनी दादी से, दादी के साथ उसका बहुत लगाव है, इसके अलावा 70-80 के दशक के गाने उसे सुनना पसंद है, और कमिटमेंट में, एक कमिटेड रिलेशनशिप वो चाहता है, जल्दी से जल्दी वो विवाह भी करना चाहता है। इस प्रकार से ऋषि का कैरेक्टर है। अब डिंपल की माँ उसे एक इंस्टीट्यूट में एक कोर्स के लिए भेजती है, 3 महीने का। 3 महीने में उन्हें कुछ एक ऐप वगैरह डेवलप करना होता है, और ऐप बनाना सीखने के लिए, एक कोर्स के लिए उसकी माँ उसे भेजती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऋषि आने वाला होता है। उन्होंने मैट्रिमोनियल वेबसाइट से कुछ फ़ोटोज़ वगैरह डिंपल के, ऋषि के परिवार को, दादी को दिखाए हैं। ऋषि को तो डिंपल बहुत पसंद आई, और इसलिए अपनी फ्यूचर वाइफ को देखने के लिए या उससे मिलने के लिए ऋषि वहाँ पर आता है, उस इंस्टीट्यूट में या उस कोर्स में। अब यहाँ तक जब मैंने कहानी देखी तो मुझे लगा कि हो सकता है कि सीरीज़ में आगे ये दिखाया जाएगा कि जो डिंपल का कैरेक्टर है उसे धीरे धीरे कमिटेड रिलेशनशिप का महत्व पता चलेगा, ऋषि के साथ में रहकर, या प्यार का सही मतलब वगैरह ऋषि के साथ में रहकर डिंपल को पता चलेगा, ऐसा मुझे शुरुआत में लगा। और धीरे धीरे कहानी लगभग आगे बढ़ती भी वैसी है कि डिंपल को भी ऋषि पसंद आने लगता है, उसका स्वभाव पसंद आने लगता है, उसके साथ ही वो पहली डेट पर जाती है। पर इसके बाद में पता नहीं, मतलब सीरीज अचानक से क्या हो जाता है सीरीज को पता ही नहीं चलता। एक विचित्र विचित्र ही एक शब्द मेरे मन में आता है, या वाहियात हम कह सकते हैं, कुछ भी वाहियातपना इसके बाद में सीरीज में शुरू होता है। मतलब धीरे 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 ये सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे और ज़्यादा असहनीय होती जाती है, इनटॉलरेबल होती जाती है। और सीरीज का जो एंडिंग है वो देखकर तो भाई क्या था ये, मतलब क्यों था ये, और ये बाप रे बाप। बड़ा ही विचित्र और भयानक सीरीज का एंडिंग था। और सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी तब शुरू हुई जब वो बीच में, सीरीज के बीच में वो एक हाउस पार्टी उन्होंने दिखाई है। लिटरली अक्षरशः उन्होंने, जो हॉलीवुड की फिल्म्स में
जो इस प्रकार की हाउस पार्टीज वगैरह दिखाई जाती है वहाँ के यंग जनरेशन की, उसको निर्लज्जता के साथ में, बड़ी ही बेशर्मी के साथ में उन्होंने सेम वैसी ही हाउस पार्टी कॉपी की है और यहाँ पर दिखाई है। मतलब क्यों क्यों, मतलब पता नहीं, मतलब कौन ऐसी हाउस पार्टी करता है? दो चार हॉलीवुड की जो टीनेज ड्रामा है वो तुमने देख ली और वो देखकर तुम्हें सोच लगता है कि हाँ हमें भी यहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए और हमें भी वो वाहियात और पागलों की तरह ऐसे 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 करके वो विचित्र से क्या जरूरत है मतलब उसको आपको कॉपी करने की। तो वही हाउस पार्टी उन्होंने दिखाई और वो सीन देखने के बाद में तो भाई आगे देखने का मन ही नहीं रहा था, पर फिर भी मैंने सीरीज को कंप्लीट किया। कुल मिलाकर इस सीरीज अपने आप में ही कंफ्यूज्ड है, वो क्या दिखाना चाहते हैं वो खुद ही समझ नहीं पाते। और सीरीज के एंडिंग में जो मैंने कहा कि भाई एंडिंग तो हमें अपना सर कहीं पर पटकने की इच्छा होती है, वो एंडिंग क्या था कि जो डिम्पल है वो एक उनके ही जो उस कोर्स में आया हुआ जो दूसरा एक बंदा है जो दिन रात बस पॉन में डूबा हुआ है, है तो भारतीय पर कुछ विचित्र सा अमेरिकन एक्सेंट वो बोलता रहता है, पॉन दिन भर देखता रहता है, उसको जाकर डिम्पल किस कर लेती है। क्यों? क्योंकि वो आता है और डिम्पल को थोड़ा सा पूछता है तुम कैसी थी, मैं तुम्हें देख रहा था, ढूंढ रहा था, चलो हम ऐप बनाएंगे वगैरह वगैरह ऐसा कुछ वो बोलता है। और ये सुनकर डिम्पल अभी ऋषि से झगड़ा करके आई है और इसलिए वो जाकर उसको किस कर लेती है, वही जो दिन रात पॉन देखता रहता है, यानी क्यों। अब चलो आपको शायद ये प्रमोट करना होगा कि भाई किस करना कोई बड़ी बात नहीं है, डिम्पल फ्रस्ट्रेटेड थी, दुखी थी, अब कोई आकर उससे थोड़ा सा पूछ लेता है तो उसके मन में उसके लिए थोड़ा सी उसके प्रति एक आकर्षण हो जाता है और उसको डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेशन में डिम्पल उसको किस कर लेती है, किस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या जो भी उनको वहाँ पर दिखाना था, वो बात बहुत ज़्यादा वाहियात लगती है, बहुत विचित्र लगती है। और ज़बरदस्ती का वो वेस्टर्न कल्चर ये यहाँ पर क्यों डालना चाहते हैं या क्यों फोर्स करना चाह रहे हैं ये मैं समझ नहीं पाता। और ये करने से तुम कूल नहीं लगते हो, अगर बाहर से कुछ कपड़े पहनने से या बाहर से बाहर की किसी परिस्थिति को लेकर आप कोई ऐसी एक्सेंट बोलने के बाद में या कोई लैंग्वेज बोलने के बाद में या फलाने फलाने एक लुक लाने के बाद में अगर आप सोचते हो कि आप कूल लगोगे तो ये बेवकूफ़ी है। बाहर की परिस्थितियाँ या बाहर के कपड़े तुम्हें कूल नहीं बनाते हैं, ऐसे लोगों के हालात में सच कहता हूँ धोबी के कुत्ते की तरह हो जाते हैं, ना घर के ना घाट के। और ये हमेशा आपने ऐसी कई सारी फिल्में देखी होंगी जिनमें ये बात फोर्स की जाती है, ये बात थोपने का प्रयास किया जाता है कि भाई अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहते हो तो इससे आपका करियर बर्बाद हो जाएगा और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप को छोड़ देते हो तो आप करियर में आगे बढ़ोगे। ये बात ज़्यादा कई सारी फिल्मों में प्रमोट की जाती है, आपने देखा होगा कई सारी जो कमिंग ऑफ एज या टीनेज ड्रामा होते हैं। अब एक कॉमन सेंस की बात है, आप एक बंदे के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में रहते हो तो उससे आपके करियर पर असर कैसा होगा, पर दूसरी तरफ आप 1700 बंदों के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहते हो, वन नाइट स्टैंड हो या मल्टीपल पार्टनर या जो फक बड़ी सेक्स बड़ी वगैरह कहते हैं, ऐसे 1700 सेक्सुअल रिलेशनशिप में आप रहते हो, 1700 झंझट पालते हो, 1700 लोगों के साथ में चैटिंग करते हो, उनके साथ में एक बहुत ही डिसगस्टिंग सी लाइफस्टाइल जीते हो, उनके साथ में ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, ऐसी लाइफस्टाइल जीने से, वो 1700 झंझट पालने से आप करियर में आगे कैसे बढ़ेंगे? और एक सिंगल रिलेशनशिप में अगर आप कमिटेड रहते हो तो उससे आपका करियर बर्बाद कैसे होगा? ये बहुत ही विचित्र सी बात है, मतलब ये लोग खुद ही में ही कंफ्यूज्ड है कि ये क्या प्रमोट कर रहे हैं और ज़बरदस्ती हमारी यंग जनरेशन को और ज़्यादा ये लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई तुम अगर कॉलेज में हो तो तुम्हें किसी रिलेशनशिप में होना ही चाहिए, तुम अगर वर्जिन हो तो तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें वर्जिनिटी लूज़ करना ही किसी बहुत बड़ा तुम्हारे जीवन का अचीवमेंट है। एक ज़बरदस्ती का नई जनरेशन के मन में एक वाहवा बना रहे हैं कि भाई तुम्हें ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है, ऐसा नहीं जी रहे हो तो तुम भोंदू हो, तुम गवार हो, और अगर तुम ऐसी वेस्टर्न लाइफस्टाइल जीते हो तभी हम तुम्हें कूल कहेंगे। और आपने एक बात देखी होगी दोस्तों, ये जो फिल्म मेकर्स है, फिर वो चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए फिल्में बना रहे हो या फिर बॉलीवुड के लिए फिल्में बना रहे हो, ये जो फिल्म मेकर्स है वे उन्हें जब भी ऐसी कोई फिल्म बनानी होती है, चाहे वो सेक्सुअल लिबरेशन का मैसेज दे रही हो या इस प्रकार क्योंकि फूहड़ता भरी लाइफस्टाइल को वो प्रमोट कर रहे हो, ऐसी जब भी उन्हें फिल्में बनानी होती है ना, तब वे हमेशा जो नए चेहरे होते हैं या जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे होते हैं उनको लेकर वो ऐसी फिल्में बनाते हैं, ऐसे मैसेज वगैरह देते हैं। पर आपने देखा होगा जो बड़े बड़े
एक्टर्स के बेटे हैं या इंडस्ट्री में जो जुड़े हुए हैं, जिनकी जान पहचान है, ऐसे जो लोग हैं जिन्हें नेपोटिज्म वगैरह जो भी आप कहिए, उनको लेकर कभी भी ऐसी फिल्में नहीं बनाई जाएंगी, सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह या। और इसलिए जो नए चेहरे इस इंडस्ट्री में आ रहे होते हैं, उनको लेकर ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, फिर वो चाहे सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना हो, या फिर नक्सलवाद को प्रमोट करना हो, या फिर किसी नक्सली को क्रांतिकारी बताना हो, या भारतीय सेना को निगेटिव वे में दिखाना हो, ऐसे विषयों पर जब भी उन्हें कोई फिल्म बनानी होती है, सीरीज़ बनानी होती है, तो वो नए चेहरों को लेकर ही ज़्यादातर ये फिल्में बनाते हैं। पर जब इनके बच्चे, इनके बेटे, जो बड़े बड़े स्टार्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के जो बच्चे होते हैं, उनको लेकर वो बड़ी राष्ट्रवाद पर आधारित, ज़्यादातर आप देखिए राष्ट्रवाद पर आधारित या कोई बड़ा फैमिली वैल्यूज़ के मैसेज देने वाली ऐसी फिल्में ज़्यादातर उनको लेकर बनाई जाती है, मसाला फिल्म्स हम जिनको कहते हैं। बाकी सबकी अपनी इच्छा है, हम क्यों ज़बरदस्ती अपना खून जलाएं। मैं इस मैच को दूंगा 1 out of 10 stars। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में न्यूडिटी वगैरह नहीं है, बाकी कुछ किसिंग के वगैरह ऐसे सीन हैं, कुछ रोमांटिक सीन्स वगैरह है, कुछ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी सीरीज़ में यूज़ की गई है, तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये सीरीज़ बिल्कुल भी नहीं है, और मैं भी पर्सनली किसी को भी ये सीरीज़ सजेस्ट नहीं कर सकता। बाकी अगर आपने इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।